मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की जनता बहुत सरल है और उड़ीसा का जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ। और इस कार्यक्रम में यहाँ की जनता ने जिस हिसाब से भाग ली है, सहयोग की है, इसके लिए मैं सबको विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मोदी की गारंटी के गाड़ी को उन लोगों ने स्वागत किया, विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल किया और जो कार्यक्रम पिछले 9.5 साल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की हर वर्गों को मजबूत बनाने के लिए जो ली गई है, हर कार्यक्रम का लाभ 100% मिलना चाहिए। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर शहरी इलाका में उसको सही जनता के सहयोग से उसको सफल रूप दी गई है। और आज इस कार्यक्रम का लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगा है, क्योंकि लोगों को ये महसूस हुए है कि पिछले 9.5 साल में जो उनको सहयोग मिला है, समाज के आखिरी व्यक्ति तक सबको आज इसके वजह से सामाजिक सुरक्षा निश्चित हुई है और उनके अर्थव्यवस्था भी काफ़ी परिवर्तन आया है, उसको अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उनको सुनहरा मौका मिला है। तो सब जनता आज मोदी जी के लिए बहुत कृतज्ञ है और मुझे लगता है कि अगले दिनों में ये जो गारंटी का गाड़ी, इसका मकसद है कि जो लोग इस कार्यक्रम से कहीं रह गया है, उसको लाभ नहीं मिला है, उसको भी जोड़ना चाहिए। 100% हर स्कीम का लाभ 100% जनता को मिलना चाहिए, इसी लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज इस पंचायत में वो कार्यक्रम रचना की गई है। यहाँ की स्थानीय लोगों ने बहुत मदद किया है, सारी सरकारी हमारे अधिकारी भी मदद की है और विशेष रूप से मैं लाभार्थियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने मंच पे आके खुद कहा कैसे आपने जीवन में सुधार मोदी जी ने लाए हैं। तो मुझे लगता है कि आप पत्रकार बंधु, इस कार्यक्रम को आपको भी विशेष रूप से जनता को जानकारी देना होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि कहीं अगर सपोजिंग किसी स्कीम में कई लोग पीछे रह गया, उसका नाम नहीं आया, तो फिर उसका नाम भी शामिल करना चाहिए। 100% लाभ लोगों को हर स्कीम का मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पिछली 9.5 साल में देश को जोड़ा है, देश को मजबूत किया है, सबको इंसाफ दिया है और इस कार्यक्रम में जो भी पार्टी हो या सरकार उसके खिलाफ जाएगा, इसका मतलब साफ होगा वो गरीब जनता का खिलाफ है। तो इसलिए कोई भी गरीब जनता उसको सपोर्ट नहीं करेगा और हमारे बीजेपी नेतृत्वाधीन जो NDA सरकार है, इस सरकार का कहना स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, क्योंकि देश के हर एलिजिबल सिटीजन को इस स्कीम का लाभ 100% मिलना सही है और इस विषय पर सबको सहयोग करना ही होगा, क्योंकि देश सबसे बड़े है। इसलिए देश सेवा हमारी पार्टी का, हमारे सरकार का मूल मंत्र है, इसलिए हम इस पर लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सब इस कार्यक्रम में जुड़ जाए। देखो आज आम आठगढ़ ब्लॉक रा धाईपुर जीपी रे भारत विकसित संकल्प यात्रा रो मीटिंग करा जायतला, जोटा कि आम आसी केन्द्रमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आसते, जोटा कि मोदी ग्यारंटी, जोटा कि मोदी ग्यारंटी हूँ गरीब निष्पेषित खटिकिया लोक मानी, एवं जो माने वंचित हो जाते केन्द्र सरकार योजनारू से कि पुनर्बार एंट्री कर मिल से विषय आज केन्द्रमंत्री सोनाल सर आसी लोक मानक सचेतन कराऊ जो आठगढ़ ब्लॉक रे जो दुर्नीति चली गरीब निष्पेषित खटिकिया लोक अवहेला कर विषय टिप्पणी देखते से मोदी ग्यारंटी दे जाती जो मान ना आड़े बा जो प्रशासक मैंने नाली आखि देखा जे राजा स्वयं की पचारिक आस ता हम नाई का ये हूँ नरेंद्र मोदी को ग्यारंटी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।